गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा स्क्रीन के सामने आपकी बुक दिख रही है, ये बुक है आपकी नव भारती, है ना बेटा। इसमें हमने पार्ट एक पढ़ा था सवेरा, आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिया है। अब मैंने अभी आपको भेजा है ना क्वेश्चन आंसर, उसको लिखेंगे साथ में, आप लोग बुक वर्क भी करेंगे, ठीक है बेटा। ये पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में देखो, पहला है दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, है ना। चिड़िया गाती है, फिर पूरा डैश है, फिर सेकंड लाइन में मीठे स्वर है। तो चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठीक है। थर्ड लाइन में देखो ठंडी ठंडी, फोर्थ लाइन में मस्तानी, तो ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 11, है ना, उसमें क्या दिया है बेटा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। क वाला, सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती है, क्या खिल जाती है भाई, कलियां। वेरी गुड, मेरे बच्चों को तो याद हो गया है ना। चलो ख वाला, चिड़िया का स्वर कैसा है, चिड़िया का स्वर कैसा है बेटा, जल्दी बताओ, मस्ताना है क्या, नहीं मीठा है ना। चलिए ग वाला, सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं, क्या खो देते हैं, आलस, है ना। उसके बाद बेटा नीचे आइए, देखिए भाषा की दुनिया, भाषा की दुनिया में क्या दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द बनाना, हमको इसको करना है ना। पहला नंबर है समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। आपको भी मालूम है कि जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची में एक शब्द के समान दो तीन अर्थ हो सकते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, आँख को हम क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं, और नयन भी कहते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे, पहला सूरज, दूसरा हवा, तीसरा सुबह, चौथा चिड़िया, पांचवा जल, छठवा सुंदर। तभी यहाँ पे देखते हैं मेल किससे किससे हो रहा है, सूरज मतलब सूर्य, हवा मतलब वायु, है ना, सुबह मतलब प्रातः, चिड़िया मतलब खग, और जग मतलब संसार, और सुंदर मतलब खूबसूरत, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पेज नंबर 12 है, 12 है ना। इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सरल, सरल का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यहाँ पे हमको कुछ आंसर दिया हुआ है, पुरानी, प्रकाश, कड़वा, गर्म, पाना, मुरझाना, हमको इसको यहाँ पे लिखना है। मीठा का क्या होगा बेटा, कड़वा, नई, पुरानी, खिलना, मुरझाना, अंधकार, प्रकाश, खोना, पाना, ठंडा, गरम, ये हमारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं, है ना बेटा। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द के मेल से क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, है ना। तो चलो अभी अपन ये देखते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे आधा सा धन उ, है ना, आधा र धन अ, है ना, धन आधा ज धन अ, है ना, तो क्या बन गया बेटा, ये स समय उ की मात्रा सु र ज, क्या बना ये, सूरज। चलो अभी ये देखते हैं क्या बनेगा, आधा ह धन अ ह, आधा व धन आ, ह व आ, हवा, क्या बना, हवा। अभी देखो यहाँ पे आधा क अ, क ह हमें आ, हा नमे न, आधा न नमे ई, क हानी, देखो कहानी बना। आधा झ धन ओ मतलब जो, और आधा श धन अ, तो जो श, क्या बना बेटा, जोश। चलिए आधा अ धन नहीं अ धन ल, अ धन स धन आ,
अ ल सा क्या बना अलसा क्या बना अलसा। उसके बेटा नीचे देखो सूरज का रंग लाल क्यों होता है पता लगा कर बताना है। तो इसको हम जब हम स्कूल खुलेगा तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है। अभी देखो नीचे अब आपको सूरज हवा और पंछी आकर जगाएंगे तो उनके छूने पर आपको कैसा अनुभव होगा कैसा अनुभव होगा। ये आपका होमवर्क है फिर भी अपन इसको कर लेते हैं। सूरज है ना सूरज अब आपको आके जगाएगा तो ठंडा लगेगा गर्म लगेगा कि मुलायम लगेगा कैसे लगेगा गर्म। हाँ हवा 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 कैसी होती ठंडी गर्म कि मुलायम। हवा आके उठाएगी तो आपको कैसे लगेगा हाँ अब ठंडा ठंडा लगेगा। फिर पंछी ठंडा गर्म कि मुलायम पंछी आपको छुएगा तो मुलायम मुलायम लगेगा ना हाँ है ना। अभी ये आखिरी वाला क्या है पर्वत सागर नभ पृथ्वी फूल आदि हमें कई संदेश देते हैं। इस आधार पर एक छोटी सी कविता बनाकर लिखें जैसे फूलों से नित्य हंसना सीखो। इसको बेटा हम लोग अपन जब अपनी ऑफलाइन क्लास चलेगी तब अपन करेंगे लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ इसे आप लोग ज़रूर करेंगे। होमवर्क क्या रहेगा आप लोग का होमवर्क रहेगा कि सुबह का सुंदर सा दृश्य बना के चित्र बना के अपने कॉपी में आप लोग बना के रखेंगे सुबह का सुंदर सा चित्र। ओके बाय।